हिंदू धर्म में नवरात्रि त्योहार का खास महत्व है। इस वर्ष 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आश्विन माह में मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूरा पूजा आराधना की जाती है। नवरात्र में कलश स्थापना यानी घट स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सही समय पर घट स्थापना करना बहुत जरूरी है। घट स्थापना के लिए सप्त धान्य के लिए साफ मिट्टी और मिट्टी का बर्तन, 7 अलग प्रकार के अनाज, छोटा मिट्टी या पीतल का कलश, गंगा जल, कलावा, इत्र, सुपारी कलश में रखने के लिए सिक्का, 5 आम का या अशोक का पत्ता, अक्षत नारियल, लाल कपड़ा, गेंदे का फूल और दुर्वा घास जैसी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि नवरात्रि पर्व शक्ति आराधना का महापर्व होता है। कलश स्थापना का तात्पर्य है कि उस दिन हम माँ भगवती दुर्गा जी की ज्योति स्वरूप की पूजा करने घर, मंदिर और पंडालों में घट स्थापना करते हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त प्रतिपदा तिथि के सूर्योदय से प्रारंभ हो जाती है। आगे ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। नवरात्रि पर्व जो है शक्ति आराधना का महापर्व होता है। कलश स्थापना का तात्पर्य यह होता है कि उस दिन हम माँ भगवती दुर्गा जी की ज्योति स्वरूप की पूजा करने के लिए अपने घर में, मंदिरों में, बहुत से जगह पर पंडाल बना करके माँ भगवती दुर्गा जी की स्थापना करके वहाँ घट स्थापना करके पूजा करते हैं। तो कलश स्थापना का मुहूर्त, हालांकि प्रतिपदा तिथि सूर्योदय से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मंदिर वाले, पंडाल वाले अपनी व्यवस्था के अनुसार से इस घट स्थापना की पूजा को निकालते हैं, तैयारी करते हैं। हमारे महामाया देवी मंदिर की प्राचीन परंपरा है कि यहाँ घट स्थापना का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से 12:24 के मध्य में पूजन प्रारंभ होता है। मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं, हमारे मंदिर के पुजारीगण हैं, आचार्यगण हैं, वो सभी जो है पूजन कक्ष में जाकर के सुंदर विधि विधान से इस शुभ मुहूर्त में पूजन को प्रारंभ करते हैं। आवाहित देवताओं की पूजन करने के पश्चात षोडशोपचार विधान से पूजन, जो प्राचीन परंपरा का यहाँ निर्वहन किया जा रहा है, उसके बाद फिर प्रधान राजज्योत को प्रज्वलित एक कुंवारी कन्या के हाथों से कराई जाती है, जिसका चकमक पत्थर की चिंगारी से निकले हुए जो ज्योति अग्नि रहती है उसके माध्यम से प्रधान राजज्योति प्रज्वलित होती है। उसकी पूजा करने के बाद में जितनी श्रद्धालुओं के द्वारा जो मनोकामना ज्योति की रसीद यहाँ कटाई गई रहती है, उन मनोकामना ज्योति को फिर एक एक करके समस्त ज्योतिगृह में वो मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करके उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है।